आज भी गली में आना पड़ा। क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? भाई देखो, इसने फंसा दिया है। देखो ये है अपॉर्चुनिटी, आज की जो है ना टोटल अर्निंग हुई है। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो गाइज आप लोग? तो आज जो है ना वो 3 तारीख है और अभी बज रहे 5:20। मैं निकल चुका हूँ भाई, आज भी जो है ना वो लेट हो गए थोड़ा। गाड़ी को जो है ना मैंने आज वॉश करवाया यार वो बंदे से, क्योंकि थोड़ा जो है ना मुझे लेट हो गया, 4:30 हो गया था व्लॉग एडिट करते करते। तो मैंने उसको आके बोला कि आप वॉश करके रखो गाड़ी, मैं आता हूँ 5:45 तक। तो ऐसे करते करते लेट हो गया। मैं व्लॉग है ना रात को, जैसे मुझे थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है ना तभी मैं ना व्लॉग को जो है ना एडिट कर देता हूँ आधा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे। तो फिर दोपहर को जो है ना उठने के बाद जो है ना थोड़ा कम मुझे काम करना पड़ता है व्लॉग पे, तो ऐसा है। तो चलो अभी स्टार्ट करते। 6 बजने आए। लेट निकलने के बाद है ना ऐसा ही होता है, कभी कभी ट्रिप मिल जाती है, कभी कभी जो है ना रुकना पड़ता है। अभी क्या हो रहा है, ट्रिप आ रही है बट किसी और को मैच हो रही है, समझ में नहीं आ रहा अभी ट्रिप अपने नसीब में कौन सी मिलने वाली है। लेट्स सी गाइस आज के दिन में जो है ना कितनी अर्निंग करते हैं, कहाँ कहाँ पे जाता हूँ, कितना CNG लगता है, क्या कुछ नया सीखने मिलता है। तो सब कुछ आपको जो है ना मेरे इस ब्लॉग में देखने मिलने वाला है गाइस। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस फटाफट जाके। बस बात ही करा था, 5 मिनट का वेट किया और बुकिंग मिल गई टर्मिनल 1 की। रोड तो खाली लग रहे हैं, पहुंच चुका हूं मैं, जस्ट पहुंचा हूं मैं। 7:21 और 464 मिला है, 1 घंटा 11 मिनट लगा है मुझे। ओला में तो जो है ना 2 बुकिंग बच के गई, मीरा रोड और दहीसर, जो कि फुल जाम रहता है उस साइड जाना नहीं है। उबर में देखते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ अभी पिकअप पॉइंट पे, अंदर चले जाता हूँ तो 1-2 घंटे में तो बुकिंग आ ही जाएगी। मैं जा रहा था एयर प्रेशर चेक करवाने और उतने में ना जैसे ही पहुंचा खाली था, बट बुकिंग आ गई कल्पा देवी 1.65 के सर्ज में, क्या बात है। तो वापस आ गया मैं, वहां पे मैं पहुंचता हूँ कितने बजे पता नहीं, अभी 7:30 तो हो गए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.25 घंटे तक लगेगा। चलो कस्टमर का कॉल भी आ रहा है। आज भी गली में आना पड़ा बट इतना अंदर नहीं है, ये मेन रोड है और यहाँ से फिर राइट लेके सिग्नल से सीधा सीधा जाता हूँ मैं काला घोड़ा फोर्ट के यहाँ पे। और कितना अमाउंट दिया है, 569 रुपीज। 8:40 और जैसे ही मैं आगे बढ़ा बुकिंग मिली टर्मिनल 1 की। ओला में बुकिंग मिली है, उबर में तो भाई सब आसपास की बुकिंग बज रही थी बट ओला में मिल गई बुकिंग। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा, सिर्फ लेफ्ट लेना बाकी था और कैंसिल कर दी। क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? कैंसलेशन चार्ज भी मिल गया इसमें 22 रुपए। सामने है मरीन ड्राइव और ये है ट्राइडेंट, भी गाड़ी के पीछे लगा के रुका हूँ मैं। यहाँ पे बैठ के ना कुछ मतलब नहीं है क्योंकि सब लोग है ना बैठे हुए आराम से रिलैक्स है, मतलब 1-2 घंटा यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद जो है ना लेट नाइट को यहाँ से निकलते हैं मरीन ड्राइव से। तो मैं अभी जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ पे। 11 बज गए, अमाउंट मिला है 574 रुपीज। अभी पहुंचा हूँ अंधेरी वेस्ट में। बुकिंग जो थी ना वो थी जोगेश्वरी ईस्ट की, तो भाई गाड़ी में बैठते ही कस्टमर ने स्टॉप डाला कि लास्ट स्टॉप जो है ना अंधेरी वेस्ट का रहेगा, जू का। तो यार बट ठीक था, ट्रैफिक नहीं मिला मुझे कहीं पे भी। तो फटाफट में कितना टाइम लगा मुझे पता है क्या? ऑलमोस्ट 1 घंटा 26 मिनट लगा मुझे 43 किलोमीटर का 574। बुकिंग अभी बज रही है सब मीरा रोड, पनवेल, वाशी। भाई घर पे जाने की बुकिंग बज रही है बट अभी घर पे जाना नहीं है क्योंकि अभी जाना है एयरपोर्ट के पास हूँ मैं, तो अभी मुझे एक बार और जाना है एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से एक बुकिंग और कंप्लीट करूँगा मैं, उसके बाद घर पे जाने की सोचूंगा बट फिलहाल अभी जो है ना घर पे नहीं जाना है। तो बात ही कर रहा था और एक बुकिंग आ गई साकिना का। कितना टाइम दिखा रहा है, 3 मिनट दिखा रहा है। पहुँचता हूँ मैं साकिना का, फिर चले जाऊँगा एयरपोर्ट पे। होटल एक्सिस पे ड्रॉप किया है, चांदी वाली पेट्रोल पंप के सामने है, सिग्नल पे हूँ मैं। अमाउंट मिला है 162 रुपीज। अभी जो है ना U-turn लेके जो है ना अराउंड 2.5 किलोमीटर है, सीधा जा रहा हूँ टर्मिनल 2 पे। बहुत टाइम है मेरे पास, 11:40 ही हो रहा है अभी, तो वहाँ पे जाके नंबर लगाता हूँ। ट्रैफिक चालू यहाँ से, जैसे ही अंदर आया एयरपोर्ट की तरफ चालू ट्रैफिक। भाई देखो इसने फंसा दिया है इधर ना, देखो मेरा ब्लॉग भी चल रहा है देख रहा हूँ मैं और ट्रैफिक भी जाम है। गाड़ी देखो 240 गाड़ी है उबर में और ट्रैफिक जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी मैंने चालू किया है। पिकअप पॉइंट पे
आते आते जो है ना गाड़ी आ गई है 130, पूरा जाम है भाई एकदम आगे की तरफ। अभी एक एक कस्टमर इसमें बैठेंगे, उसके बाद जो है ना गाड़ी आगे चलेगी, तभी जाके ये सब ट्रैफिक आगे बढ़ेगा। उबर में है ना नंबर आ चुका है, लेकिन अभी उबर कर रहा हूँ मैं बंद, क्योंकि ओला में जो है ना मुझे थाने की बुकिंग मिल गई है। 1.4 का सर्च चल रहा था, तो सर्च आज कम चल रहा है। और मैं कहाँ पे हूँ देखो भाई, एग्जिट के एकदम बाजू में ही, पिलर नंबर 12D मैंने बताया कस्टमर को, एकदम एग्जिट के बाजू में हूँ। जैसे ही आएंगे कस्टमर यहाँ से सीधा राइट लेके बाहर पहुंच गया मैं। 135 हो चुके और मिला है 521 रुपए, सिर्फ 25 किलोमीटर का 521 रुपए मिले। 50 मिनट भी नहीं लगा मुझे, उससे कम टाइम में मैं आ चुका। टोल एक मिला है उसमें अलग से। और ये साइड में जो है ना ये है आर मॉल एरिया वगैरह जो है ना काफी अच्छा है, तो मैं ना थोड़ी देर यहीं पे वेट करता हूँ, अगर बुकिंग आती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर थोड़ा आगे चले जाऊंगा। तब तक जो है ना मैं मेरे ब्लॉग को एडिट करता हूँ। वीडियो ही एडिट कर रहा था मैं, और अचानक से मैंने देखा अपॉर्चुनिटी में कि कुछ है कि नहीं। 3-4 अपॉर्चुनिटी बुकिंग पड़ी थी, एक वसई विरार से थी एयरपोर्ट की, एक थाने से ही थी, वो किसी और ने एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद मैंने चेक किया तो 3 बजे की एक थी, तो उसमें मैंने क्लिक किया तो भाई वो रिसीव हो चुकी है। ये देखो ये है अपॉर्चुनिटी, टाइमिंग लिखा है 3 बजे का और 438 रुपीज़ मिलेगा 25 किलोमीटर का। तो मेरे ख्याल से ये है ना, यहाँ पे डॉट है ना, ये वाला डॉट, तो ये मेरे आसपास की है बुकिंग। 2 बजे और 2:20 में ये बुकिंग मुझे रिसीव हो जाएगी, उसके बाद लोकेशन आ जाएगा तो मैं लोकेशन की तरफ चले जाऊंगा। तब तक 20 मिनट थोड़ा बहुत और काम खत्म कर लेता हूँ मैं। बाहर आया हूँ मैं, ये देखो चांद का नज़ारा, सामने गाड़ी पार्क की है मैंने। 2:34 हो गई और है ना अभी जाके बुकिंग रिसीव हुई है, तो अभी देखते यार मेरे लोकेशन से है ना कितना दूर है ये, 5 किलोमीटर ही है, 10 मिनट लगेगा, फटाफट पहुंचता हूँ मैं। ये हड़ताल खत्म हो गई ना, ये देखो ट्रैफिक, इधर भी पूरी लाइन, ये क्यों ऐसे खड़े पता नहीं भाई, क्या फिर से हड़ताल कर रहे हैं लोग। ये देखो सामने पूरा ट्रैफिक जाम है, अभी मैंने दिखा था लंबा, कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रही थी जिसकी वजह से मुंबई में रोड खाली मिल रहे थे भाई। अभी ना ये खत्म हो गई है शायद स्ट्राइक, तो पूरे रोड जो है ना ब्लॉक है, अभी फुल जाम अभी मिलने वाला है। जैसे पहले हालत थी वैसी हालत अभी वापस से होने वाली है। 10 मिनट जल्दी पहुंच गया और टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है अपना, मैत्री आनंद CHS। तो ये है मैत्री आनंद CHS, कॉल कर लेता हूँ मैं कस्टमर को। 337 और मैं ना पहुंच गया हूँ CNG की लाइन में, और अमाउंट मिला है 417 रुपये। CNG जो है ना 2 पॉइंट पे है, और जो है ना 3-4 गाड़ी है आगे, तो खाली है, इतनी लाइन नहीं है, तो मैंने सोचा कि भरवा लेता हूँ यहीं पे, यहाँ से 1-2 बुकिंग करके फिर लास्ट कहाँ पे मिलता है देखते हैं टाइम, बेलापुर या फिर नेरुल में। 545 का है CNG। घर का बुलावा आ चुका है गाइस, भाई CNG भरवा के रुका था मैं, ऑलमोस्ट है ना 4 बजने आया है। और एक बुकिंग भी आ गई उबर में सीउड की, तो एक्सेप्ट कर लिए मैंने। ये टाइम पे जो भी फ्लाइट लेके आता होगा ना रात को 2 बजे से लेके सुबह 8 बजे के बीच में, भाई सभी लोगों को जो है ना एकदम नॉर्मल से भी कम प्राइस मिलती है, तो भाई बहुत ही बेनिफिट हो जाता रहेगा इन लोगों को। 33 किलोमीटर का 352 रुपीस दिया है और बच गए है 450। पाम बीच रोड के एकदम बाजू में ही ड्रॉप था, अभी जा रहा हूँ पाम बीच रोड से सीधा घर की तरफ। भाई देखो अपनी एक्सेंट भी आगे ही खड़ी है, 5 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट जो है ना 11 घंटे हो चुके हैं। आज की जो है ना टोटल अर्निंग हुई है 3,271 रुपए की टोल के साथ, जिसमें 4 टोल कवर है। 1,121 रुपए का काम जो है ना वो ओला के साथ हुआ है और 1,971 रुपए का काम जो है ना वो उबर के साथ हुआ है। तो भाई काम जो है ना बहुत ही अच्छा हुआ है आज का। उसी के साथ लास्ट वाली ट्रिप जो है ना भाई घर की तरफ मिल गई मुझे, एम्प्टी आना नहीं पड़ा कहीं से भी। CNG जो है ना 545 का मैंने भरवाया था और राउंड फिगर में 600 रुपए का कर दूंगा, क्योंकि जो है ना 2 पॉइंट अभी खाली हुए, तो अभी मैंने CNG भरवाया नहीं है अभी मैंने, तो वो अभी जो है ना वो कल ही भरवाऊंगा, जो भी जहाँ पे भी CNG खाली होगा वहां पे मैं CNG भरवाऊंगा कल। तो व्लॉग आपको कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करके शेयर कर दो एंड कमेंट करके जो है ना फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।